भारत के रतन टाटा बिल गेट्स की तुलना में ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम विश्व के अरबपतियों की सूची में नहीं है। ऐसा क्यों है आखिर? अगर अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट की बात करें तो बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी 86 अरब डॉलर की नेटवर्थ है। 75.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ वॉरेन बफेट नंबर 2 पर आते हैं। इसके बाद जेफ बेजोस 72.8 अरब डॉलर के साथ और मार्क जकरबर्ग और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की टाटा ग्रुप एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उन सभी लोगों की तुलना में अधिक पैसा कमा रही है जिनके चेयरपर्सन का नाम विश्व के अरबपतियों की सूची में है। आज टाटा ग्रुप में 96 कंपनियां हैं, जिसमें टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस, ताज ग्रुप और अन्य कंपनियां शामिल हैं। फिर भी रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष हैं, अपना नाम अरबपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं बना पाए? और अगर भारत की ही बात करें तो मुकेश अंबानी ही भारत के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, रतन टाटा नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि रतन टाटा अपनी व्यक्तिगत और टाटा ग्रुप दोनों के सालाना प्रॉफिट का 65% दान कर देते हैं। एक बार यही सवाल एक रिपोर्टर ने रतन टाटा से किया तो उनका कहना था कि अंबानी एक बिजनेसमैन यानी व्यवसायी हैं और हम एक उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा का कहना है कि मैं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में यकीन नहीं रखता, मैं तो भारत को एक खुश देश बनाने की चाहत रखता हूँ। रतन टाटा का कहना है कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसको मैं लोगों को वापस करने में यकीन रखता हूँ और इसलिए उनका पैसा शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के रूप में लोगों को वापस चला जाता है। 28 दिसंबर 1937 को पैदा हुए रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की थी। वो 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू में 40% की वृद्धि हुई और इसका लाभ 50% तक बढ़ा। रतन टाटा सिर्फ भारत में ही डोनेशन नहीं करते बल्कि वे दूसरे देशों में भी अपने लाभ का कुछ प्रतिशत दे देते हैं। टाटा ग्रुप ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $5 करोड़ का दान दिया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को जिसको किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने दिया हो। आम और गरीब आदमी भी स्वच्छ पानी पी सके, इसके लिए टाटा ग्रुप ने टाटा स्वच्छ नाम का एक वाटर प्यूरिफायर डिवाइस लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1500 रुपए से कम रखी गई थी। देश का आम आदमी भी अपने परिवार को कुछ सुख सुविधा दे सके, इसके लिए टाटा ग्रुप ने नैनो कार लॉन्च की थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि ये एक अशिक्षित व्यक्ति को 40 घंटे के भीतर पढ़ाई सिखा सकती है। टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत ध्यान रखती है। टाटा ग्रुप ने मॉडर्न पेंशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज, मटर्निटी लीव्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर एम्प्लॉयज को डिस्काउंट और बहुत सी अन्य सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की हैं। जब ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके रिपेयर का काम चल रहा था, तब भी टाटा ग्रुप ने उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी बंद नहीं की थी। यहाँ तक कि टाटा ग्रुप ने टेररिस्ट अटैक से प्रभावित हुए रेलवे एम्प्लॉयज, पुलिस, दुकानदारों आदि को भी सहायता प्रदान की थी। हाल ही में टाटा ग्रुप ने ये घोषणा की है कि वे भारत से पूरी तरह से मलेरिया को खत्म करने के लिए काम करेंगे और इस दिशा में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी ने इस काम के लिए $7 करोड़ का निवेश किया है, जो कि देश को इस घातक बीमारी से मुक्त करने के लिए भारतीय मच्छरों के DNA को टेस्ट करेगा। विशाल पैमाने पर लोगों की भलाई के लिए काम करने के कारण रतन टाटा और टाटा ग्रुप विश्व के अरबपतियों की सूची में नहीं है, क्योंकि उनका मकसद अमीर लोगों की लिस्ट में आना नहीं बल्कि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। रतन टाटा के लिए जनता का प्यार और उनका सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कुछ और हस्तियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।